हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के उन सवालों को डिस्कस करेंगे जो कि ऑलरेडी एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीडीएस जैसे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली सक्सेसिव डिवीजन पे बेस्ड सवालों को डिस्कस करूंगी। तो सक्सेसिव डिवीजन पे बेस्ड सवाल जनरली गवर्नमेंट एग्जाम्स या और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि सक्सेसिव डिवीजन हम कहते किसे हैं। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है से 77, उसको आपने 2 से डिवाइड किया, 2 3 6 17, 2 8 16, रिमाइंडर आया 1, राइट। अब जो क्वोशेंट आया उसको फिर से आपको डिवाइड करना है। अब आप डिवाइड कर दीजिए 5 से। जो नंबर हम चूज कर रहे हैं मींस डिवाइजर, ये हम अपनी चॉइस से यहां पर ले रहे हैं, तो 5 से किया, 5 7 35, रिमाइंडर आया आपके पास 3, राइट। अब हम ये जो क्वोशेंट है फिर इसको किसी से डिवाइड करेंगे, तो हमने ले लिया 11, 11 0 0, रिमाइंडर आया 7, राइट। तो यहाँ पर हमने अपने से जो डिवाइजर लिए थे वो क्या था, 2 5 और 11, और रिमाइंडर क्या था पहला केस में और तीसरे केस में 7, राइट। तो इसको हम सक्सेसिव डिवीजन कहते हैं कि जो क्वोशेंट आता है उसको आप बार बार डिवाइड करते रहते हैं। इस एग्जाम्स में सवाल आपको किस तरह के बनते हैं कि आपको क्या क्या गिवन होता है, ये डिवाइजर गिवन होते हैं 2 5 11, और कह दिया जाएगा कि जब हम 2 5 11 से डिवाइड करेंगे किसी नंबर को तो जो रिमाइंडर आ रहा है, पहले 1 आ रहा है, फिर 3, फिर 7, तो आपको जो एक्चुअल नंबर है वो मालूम करना है। मींस एक्चुअल नंबर कौन सा है, ये वाला नंबर, ये मालूम करना है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको गिवन नहीं होगी, तो इसको हम शॉर्टकट से कैसे मालूम करेंगे, वो शॉर्टकट हम सबसे पहले यहां डिस्कस करते हैं। सिंपली करना क्या है, ये आपके डिवाइजर्स हैं और ये रिमाइंडर है। तो डिवाइजर क्या है, पहला 2, इसका रिमाइंडर आ रहा है 1, 5, उसके बाद रिमाइंडर 3, और सबसे लास्ट में हमने डिवाइड करा है 11, इसका रिमाइंडर है 7, राइट। सिंपली करना क्या है, इस तरह से आप लाइंस बनाइए, इन वाली लाइंस में मल्टीप्लिकेशन होगा और इस वाली लाइन में एडिशन होगा। नीचे आप सबसे पहले लिख दीजिए 0, ठीक है, 11 into 0 0, और 0 plus 7 7, तो यहां लिख दिया आपने। उसके बाद 5 into 7 35, 35 plus 3 38, यहां लिख दीजिए। फिर 2 into 38, दैट विल बी 76, 76 plus 1 77, तो ये आपका नंबर आ गया जो आपको चाहिए था, राइट। तो आप मैच कर सकते हैं, नंबर 77 ही है। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं टू मेक इट मोर क्लियर। से फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई नंबर आपने लिया 283 और हमने पहला डिवाइजर लिया 3 अपने से। नाउ वी नो दैट 3 9s are 27। अब इस 94 को हमने 5 से डिवाइड किया, 5 1s are 5 44, 5 8s are 40, रिमाइंडर आया 4। अब इस 18 को हमने 7 से डिवाइड किया, 7 रिमाइंडर आया 4, ठीक है। तो हमारा जो पहला डिवाइजर था वो क्या है, 3, फिर 5, फिर 7, और पहला रिमाइंडर है 1। अब हम अपना शॉर्टकट से ये जो नंबर है 283, ये मालूम करके देखते हैं ये आएगा या नहीं, ठीक है। तो शॉर्टकट क्या कहता है, सबसे पहले आप इधर डिवाइजर लिखिए और इधर रिमाइंडर। पहला क्या था डिवाइजर, 3, रिमाइंडर आ रहा था 1, फिर था 5, रिमाइंडर आ रहा था 4, फिर था 7, रिमाइंडर आ रहा था आपके पास 4, राइट। क्या करना है, सिंपली ये लाइंस बनाइए और इधर सब मल्टीप्लीकेशन होगा और इधर जो है वो डिवीजन, सॉरी एडिशन होगा। सबसे पहले 0 से स्टार्ट करिए, 7 into 0 0 0 plus 4 4, 5 into 4 20 20 plus 4 24, 3 into 24 is 72 72 plus 1 is 73। आपके पास अब जो नंबर आया वो 283 नहीं आया जबकि 73 आया। तो देखिए यहां पर आपको या तो डायरेक्ट नंबर मिल जाएगा जो कि आपके ऑप्शंस में मैच करेगा, या फिर अगर ऑप्शंस में नंबर मैच ना करे तो हमें करना क्या होता है, सिंपली जो डिवाइजर है उसका एलसीएम लीजिए। तो आपने एलसीएम लिया 357 का, तो ये आपके पास आ गया 105। तीनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, 3 into 5 into 7, यही तो एलसीएम हुआ, तो आया आपके पास 105। अब करना क्या है कि जो नंबर आपको मिलेगा वो सिंपली क्या होगा, या तो n+105 होगा या फिर n+ इसका कोई भी मल्टीपल 2 into 105, या फिर n+3 3 into 105, और ये ऐसे चलता रहेगा। मींस एलसीएम का मल्टीपल आप ऐड करते रहिए, तो ये जितने भी नंबर मिलेंगे आप इनको जब 3 5 और 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 1 4 और 4 ही आएगा,
ठीक है। तो अगर आपका ये आंसर मैच ना करे यहाँ पर, तो क्या करना है, इस नंबर में, इसको आपने n कह दिया है, इस नंबर में सिंपली एलसीएम निकाल के डिवाइजर का ऐड कर दीजिए। तो आपने 73 में 105 ऐड किया, तो ये हो जाएगा आपके पास 178 आपके ऑप्शंस में मैच नहीं करा मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे, 73 में 2 × 105 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 73 प्लस, और ये हो गया 210। अब इसको ऐड किया, ये हो जाएगा 283। यस, आपके पास अब आंसर आ गया 283, राइट। तो अगर आपका आंसर मैच ना करे तो ये भी तरीका है आप एक्चुअल नंबर मालूम करने का। नाउ अब हम अपने सवालों को करते हैं, तो ये चीज़ आपको और क्लियर होगी। कहा गया है कि एक नंबर को सक्सेसिवली डिवाइड किया है 4, 5, 6 से, तो रिस्पेक्टिवली रिमाइंडर्स क्या आ रहे हैं, 2, 3 और 4। तो एक्चुअल नंबर आपको मालूम करना है, तो शॉर्टकट क्या कहता है, सिंपली यहाँ पे डिवाइजर्स लिखिए और यहाँ रिमाइंडर्स लिखिए, ठीक है। तो 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिस्पेक्टिवली का मतलब है उस 2 रिमाइंडर आ रहा है, 5 से कर रहे हैं तो 3 रिमाइंडर आ रहा है, 6 से कर रहे हैं तो 4 रिमाइंडर आ रहा है। शॉर्टकट क्या कहता है, सिंपली ये लाइन बनाइए, इधर मल्टीप्लीकेशन और इधर एडिशन, 0 से स्टार्ट करना है, 6 × 0 = 0, 0 + 4 = 4, 4 × 5 = 20, 20 + 3 = 23, 23 × 4 दैट विल बी 92, और 92 + 2 दैट विल बी 94, राइट। अब लेकिन आप देखिए 94 यहाँ कहीं पर भी नहीं है, तो हमें वही करना पड़ेगा, डिवाइजर्स 4, 5, 6 का एलसीएम लीजिए, तो इन सबको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 60 एलसीएम, ठीक है। अब हम नंबर हमें कैसे मिलेगा, इस 94 में या तो आप 60 ऐड करिए, या फिर 94 में 60 के मल्टीपल्स ऐड कर दीजिए। तो आप इसमें ऐड करके देखिए, 94 में 60 तो ये सिंपली हो जाएगा 154, यहाँ पे 94 प्लस ये हो जाएगा 120, इसमें ऐड किया आपने तो जाएगा 4, और दिस विल बी, तो देखिए यस 214, तो आपका आंसर हो गया 214 एंड इट्स सिंपल। कहने का मतलब है कि चाहे ये नंबर हो, चाहे 154 हो, 214 हो, ये सारे नंबर जब आप 4, 5 और 6 से सक्सेसिवली डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2, 3, 4 ही आएगा। मीन्स आंसर सारे करेक्ट हैं, लेकिन जो ऑप्शंस में है हमें वो ढूंढना है, ठीक है। देखिए ये सवाल एसएससी सीपीओ 2019 का है, यहाँ पे कहा गया है एक नंबर को सक्सेसिवली डिवाइड किया है 3, 4 और 7 से। तो देखिए हम सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ डिवाइजर, यहाँ रिमाइंडर। डिवाइजर क्या थे, 3, 4 और 7, और रिमाइंडर क्या है, 2, 3, 5 रिस्पेक्टिवली, तो 2, 3, 5, ठीक है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 84 डिवाइड्स द सेम नंबर, तो सबसे पहले हम नंबर मालूम करेंगे, तो उसके लिए हम शॉर्टकट यूज करेंगे, यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन हो गया और यहाँ एडिशन हो गया, ठीक है। हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 7 × 0 = 0, 0 + 5 = 5, 4 × 5 = 20, 20 + 3 = 23, 3 × 23 = 69, 69 + 2 = 71, तो आपके पास नंबर आ गया 71। कहा गया है कि जब इस नंबर को 84 से डिवाइड करेंगे, 71 को रिमाइंडर क्या होगा, तो 84 × 0 = 0, माइनस किया 71, तो रिमाइंडर आ गया आपके पास 71, सो द करेक्ट आंसर इज सी। देखिए ये भी पूछा गया सवाल है, यहाँ पर पूछा है कि अगर किसी नंबर को 3, 4, 7 से डिवाइड किया तो डिवाइजर क्या है, 3, 4 और 7, और रिमाइंडर्स क्या है, 2, 3 और 5। सबसे पहले आप नंबर फाइंड कर लीजिए, मल्टीप्लीकेशन एडिशन, यहाँ 0, 7 × 0 = 0, 0 + 5 = 5, 4 × 5 = 20, 20 + 3 = 23, 3 × 23 = 69, 69 + 2 दैट इज 71, नंबर आ गया आपके पास 71। पूछा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 42 डिवाइड्स द सेम नंबर, मींस 71 को जब 42 डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या होगा, तो ये हो गया आपके पास सिंपली 9, 29, तो रिमाइंडर आ गया 29, सो द करेक्ट आंसर इज डी एंड इट्स सिंपल। सवाल क्या कहता है, एक नंबर है जो कि सक्सेसिवली डिवाइड हो रहा है 3, 5, 7 से, तो डिवाइजर क्या है आपके पास, 3, 5 और 7, ठीक है, और रिमाइंडर्स क्या है आपके पास, 2, 2 और 5 रिस्पेक्टिवली, मीन्स 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना काम करते हैं, एक्चुअल जो नंबर है वो मालूम करते हैं, तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन और ये हो गया एडिशन, 0 से स्टार्ट किया, 7 × 0 = 0, 0 + 5 = 5, 5 × 5 = 25, 25 + 2 दैट विल बी 27, 3 × 27 इस 81, 81 + 2 = 83, तो आपके पास जो नंबर आ गया वो आ गया 83। अब आपसे कहा गया है कि अगर ऑर्डर ऑफ द डिवाइजर इज रिवर्स्ड, अगर डिवाइजर का जो ऑर्डर है 3, 5, 7 था, अगर ये रिवर्स कर दिया जाए, मींस 7, 5 और 3 कर दिया जाए, मींस यहां से यहां कर दिया जाए, तो सबसे पहले आप डिवाइजर लिखिए 7, 5 और 3, तो रिमाइंडर्स क्या होंगे, ठीक है। तो नंबर आपको पता है क्या है, नंबर आपके पास 83, राइट।
अब आप सिंपली इसे डिवाइड किए, 7 11 77, यहाँ पे आपने क्वेश्चन लिखा और रिमाइंडर कितना बचा, 83 में से 77 माइनस करा 6। अब इस 11 को डिवाइड करिए 5 से, तो 5 2 10, रिमाइंडर कितना बचा आपके पास, 10 को माइनस कर दीजिए 11 में से 1। अब 2 को डिवाइड करना है 3 से, तो हो जाएगा 3 0 0, रिमाइंडर क्या बचा, 2। तो आपके पास जो रिमाइंडर्स आ गए, यही आपसे पूछा था, फाइंड द रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स, तो यहाँ पे आ गया 6 1 और 2, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नाउ लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहा गया है एक नंबर को जब सक्सेसिवली डिवाइड किया 4 एंड 5 से, तो देखिए डिवाइजर सबसे पहले लिख लीजिए 4 और 5, तो रिमाइंडर आया 1 और 4, ये रिमाइंडर आया 1 और 4, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्चुअल नंबर मालूम करेंगे, ये मल्टीप्लीकेशन और ये एडिशन, 0 से स्टार्ट किया, 5 into 0 0 0 plus 4 4, 4 into 4 16, 16 plus 1 17, राइट, नंबर आपके पास आ गया 17। आपसे पूछा है व्हेन इट इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 5 एंड 4 द रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स विल बी। कहा गया है कि अगर 17 को आप डिवाइड करेंगे पहले 5 से, 17 को नंबर है पहले 5 से डिवाइड किया, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या होगा, हमें पता है 5 3 15, राइट, रिमाइंडर क्या आया, 17 में से 15 माइनस करा 2, ये आपका क्वेश्चन था। सिमिलरली अब इस क्वेश्चन को फिर से डिवाइड करना है किससे, 4 से, 3 को डिवाइड किया 4 से, तो 4 into 0 0, और 3 में से 0 माइनस करा, रिमाइंडर आया 3। तो आपसे यही पूछा था कि रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स क्या होंगे, 2 और 3, सो द करेक्ट आंसर विल बी बी। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है, तो अगर आपको नंबर मिल गया तो पहले इस नंबर को आप डिवाइड करिए 5 से, तो ये हो जाएगा, डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन को फिर से किससे डिवाइड करना है, 4 से, 4 0 का रिमाइंडर क्या हो गया, पहले 2 फिर 3, राइट, सिंपल। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो सक्सेसिव डिवीजन पे जितने भी पॉसिबल सवाल बनते हैं वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल श्योरली रिवर्ट यू बैक। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टू स्टे इन टच विद मोर सच अपकमिंग वीडियोज। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।